रेशम उत्पादन में भारत का समृद्ध और व्यापक इतिहास रहा है। रेशम के व्यापार का इतिहास 15वीं सदी से चला आ रहा है। भारतीय बाजारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रेशम की काफी मांग है। यही वजह है कि असम में रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को इस उद्योग से जोड़ने के लिए असम सरकार की ओर से भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। रेशम तैयार करने के लिए किसानों को सिल्क थ्रेड जैसी कई मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे किसान रेशम उत्पादन में अपना योगदान दे रहे हैं। पारंपरिक रूप से भारत में कृषि, पशुपालन और कपड़ा उत्पादन को व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है। प्राचीन काल में सूती और रेशमी वस्त्रों का अधिक प्रयोग होता था। नवीन तकनीक ने कपड़ा उद्योग में क्रांति लाई। ग्लोबल वार्मिंग के दौर में आज फिर सूती और रेशमी कपड़ों की मांग बढ़ी है। रेशम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए काम किया जाने लगा है। रेशम गांवों और कस्बों के लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। असम राज्य में भी रेशम उत्पादन का काम बड़े पैमाने पर होता है। असम राज्य के अधिकतर लोग रेशम उत्पादन के काम में जुड़े हैं। असम राज्य में रेशम के उत्पादन को गति देने के लिए नवीन तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा है। रेशम उत्पादन से जुड़े लोगों ने रेशम का धागा बनाने और रेलिंग के लिए मशीनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। सेरिकल्चर ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ लो इन्वेस्ट होगा लेकिन हाई इनकम होगा। जैसे उसका प्रोडक्ट टेक्सटाइल में कन्वर्ट होगा तो वो तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए अभी बहुत डिमांड हो गया। इसलिए हम सब किसानों को सबको रिक्वेस्ट करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेरिकल्चर को इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करो और इसको आगे बढ़ा के घर से इंटरनेशनल मार्केट से ले जाना। मशीनों ने रेशम और कपड़ा उद्योग को गति प्रदान की है। कम खर्च में अच्छी आय के लिए रेशम रिलिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। रेशम व्यवसाय में सबसे उपयोगी मशीन सिल्क थ्रेड मशीन है। सिल्क थ्रेड मशीन को बिजली के मोटर से संचालित किया जाता है। सिल्क थ्रेड मशीन में कम समय में ज्यादा काम किया जा सकता है। सिल्क थ्रेड मशीन के अलावा हाथ से चलित मशीन का भी सिल्क थ्रेडिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है। हस्तचलित सिल्क थ्रेड मशीन में एक हाथ से पहिया घुमाया जाता है और दूसरे हाथ से मशीन के लिए ककून तैयार किया जाता है। रेशम का धागा तैयार करने के लिए चरखा की तरह दिखने वाली मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। असम सरकार की ओर से किसानों को रेशम उत्पादन की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। रेशम की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होने से विदेशों में रेशम की मांग बढ़ी है, साथ ही किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हुई है।